साथियों को विश्व भूगोल की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका एक तरीके से उत्तरी अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है, और जैसा कि हमने कहा कि इन दोनों अमेरिकाओं की खोज सबसे पहले कोलंबस नामक विद्वान द्वारा की गई। अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया। ऊपर वाले को उत्तरी अमेरिका, नीचे वाले को दक्षिणी अमेरिका, और बीच में जो पतला सा गलियारा है, सकरा गलियारा, उसे मध्य अमेरिका कहते हैं। दोनों अमेरिकाओं को एक स्थल संधि के द्वारा जोड़ा गया है। वो कौन है? तो पनामा स्थल संधि है, जिसको काटकर हमने एक नहर बना दी, इसे पनामा नहर के नाम से जानते हैं। पनामा नहर से सर्वाधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है, और पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। तो यदि हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका चौथा स्थान है। और जनसंख्या की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका की टोटल पांचवा स्थान है। क्षेत्रफल में चौथा और जनसंख्या में पांचवा स्थान है। अगर आप इसकी स्थिति की बात करोगे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, जिसे आप जानते ही होंगे, प्रशांत महासागर स्थित है। यदि आप इसके पूर्व में आओगे तो यहाँ आपके अटलांटिक महासागर को आंध्र महासागर भी कहते हैं। और ऊपर जाओगे तो ये वाला पार्ट जो है ना, कैरिबियन सागर कहलाता है। और कैरिबियन सागर किसका पार्ट है? तो अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। तो इस तरीके से ये आपके जल से घिरा हुआ है। स्थिति में यदि हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो आपकी नदी है अमेजन नदी, इसके लगभग बीच वाले पार से होकर आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है। तो कह सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पार जो है विषुवत रेखा के दक्षिण में है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट उत्तरी गोलार्ध में भी है। और इसका अक्षांश अगर बात करें तो 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा, और नीचे आओगे तो यहाँ आपके 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, साउथ तक फैला हुआ है। यानी कि अक्षांशीय दृष्टि से इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में है, थोड़ा सा ऊपर है, बाकी अधिकतर नीचे है, लेकिन देशांतरीय दृष्टि से ये पूरी तरीके से आपके पश्चिमी गोलार्ध में रहेगा, इतना याद रखना है। अब यदि हम बात करें कि ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देशों की, तो अधिकतर देशों की तटरेखा बनती है। कुछ बड़े बड़े देश भी हैं। दुनिया के एक बड़े देश का नाम आपने सुना ही होगा कई बार, ब्राजील, जो कि दुनिया में बड़े देश के रूप में जाना जाता है। इसमें यदि हम बात करें उत्तर से चलने, तो ये जो देश है आपका, ये कोलंबिया है। और कोलंबिया इस देश की राजधानी क्या है? तो बोगाटो इसकी राजधानी है। विषुवत रेखा पे एक छोटा सा देश है इक्वेडोर, क्यूटो इसकी राजधानी है। अधिक ऊंचाई के कारण क्यूटो का जो मौसम है हमेशा बसंत जैसा रहता है, इस कारण इसे शाश्वत या लगातार बसंत का शहर कहते हैं। आपसे पूछेगा किसको कहते हैं, तो क्यूटो इक्वेडोर की राजधानी, कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है। इसके बाद पेरू, इस पेरू की बात करें तो पेरू की राजधानी का नाम है बेटा लीमा। नीचे आओगे तो इस महाद्वीप में दो लैंड लॉक्ड देश, जो कि कई बार आते हैं कि स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपको ये जो देश दिख रहे हैं दो, ये स्थल अवरुद्ध हैं, अर्थात पूरी तरीके से जमीन से घिरे हुए हैं, इनकी कोई तटरेखा नहीं बनती है। उनमें से एक देश तो ये है जो कि काफी बड़े आकार का है। देश का नाम क्या है? तो बोलीविया। बोलीविया एक स्थल अवरुद्ध देश है, और दूसरे स्थल अवरुद्ध देश की बात करें तो ये वाला हो जाएगा, और इसका नाम क्या है? तो पराग्वे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, सारे प्रकार की एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं। स्थल अवरुद्ध का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा देश जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ होता है, उसका कोई भी पार समुद्र से लगा नहीं होता है। हिंदी में आप इसे स्थल अवरुद्ध और इंग्लिश में आप इसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो दो ही आपके पास, एक तो बोलीविया है और एक आपके पराग्वे है। बाकी नीचे जाओगे तो दुनिया का सबसे लंबा, अक्षांशीय दृष्टि से विश्व का सबसे लंबा देश अगर पूछा जाएगा, तो सबसे लंबा देश अर्थात सर्वाधिक अक्षांशों में फैला हुआ देश कौन सा है? तो चिली देश जो है आपके, ऊपर से नीचे तक ये फैला हुआ ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में आओगे तो दक्षिणी अमेरिका में नीचे की साइड एक और बड़ा देश आपको मिलेगा, अर्जेंटीना, और यहाँ एक छोटा सा देश है जिसका नाम है उरुग्वे। कभी पूछे कि विश्व में सबसे चर्चित गेम फुटबॉल,
और फुटबॉल का पहला विश्व कप विजेता कौन सा देश है? तो ना तो ब्राजील है ना अर्जेंटीना है। तो विश्व कप जो सबसे पहले फुटबॉल का जीता था ये उरुग्वे ने जीता। इसी प्रकार कभी पूछा है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा शहरीकृत यानी कि नगरीकृत देश कौन सा है? तो उरुग्वे है। इसकी अधिकतर जनसंख्या शहरों में निवास करती है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, चिली की राजधानी सेंटियागो है, ये दोनों भी याद के, और उरुग्वे की राजधानी मोंटीवीडियो है। लेकिन हमसे बड़ा यानी कि भारत से बड़ा दुनिया का पांचवा बड़ा देश जो इस महाद्वीप के लगभग आधे पार्ट पर फैला हुआ है, नाम आप सुन ही रहे होंगे, ब्राजील। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पांचवा बड़ा देश है और ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया ही है। ये एक बड़ा देश इधर से हो गया। अब इसके बाद यदि हम ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ कुछ छोटे देश आपको मिलेंगे। छोटे देश ये कौन कौन से हैं? तो कोलंबिया के बाद इसी के बगल में वेनेजुएला है, कराकस इसकी राजधानी है वेनेजुएला की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अगर पूछे कि पेट्रोल सबसे ज़्यादा किस में उत्पादित होता है तो वेनेजुएला सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। आओ जी आगे, यहाँ एक छोटा सा देश है जिसका नाम है गुयाना। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, इस देश का नाम क्या है? तो ये गुयाना है। यहां एक छोटा सा देश आपको रेड कलर में दिख रहा है, इसका नाम है सूरी। और ये वाला देश जो है इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। ये सारे के सारे ऊपर की साइड दो तीन छोटे देश हैं, गुयाना है, सूरीनाम है और फ्रेंच गुयाना है। इन सब देशों के साथ यदि हम बात करें कि ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसमें दुनिया का बड़ा बड़ा क्या चीज है, कि विश्व में बड़ी बड़ी चीजों की बात अगर करें तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत, याद रखें बेटा कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है कभी आपसे पूछा जाए, तो देखो ऊंचा पर्वत तो हमारा हिमालय था, लेकिन विश्व में सबसे लंबा पर्वत कौन सा है कभी आए आपके, तो आपके हिमालय नहीं रहेगा, इस महाद्वीप के पश्चिमी पार्ट में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है और इस पर्वत का नाम क्या है? तो एंडीज पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा और विश्व का सबसे ऊंचे नंबर में दूसरे नंबर का है एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत की लंबाई जो है 7200 किलोमीटर के आसपास और ये विश्व का सबसे लंबा है। कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग पश्चिमी पार्ट में ये स्थित है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के टकराव से इसका निर्माण हुआ है और इस एंडीज पर्वत पे ही अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर यहाँ एक चोटी है दक्षिणी पार्ट में, और चोटी का नाम क्या है? तो चोटी का नाम है बेटा एंकाकागुआ। एंकाकागुआ कभी आपसे प्रश्न पूछे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एंकाकागुआ है और एंकाकागुआ की ऊंचाई लगभग आपके 69-70 मीटर के आसपास है। कहाँ है? तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में है तो अर्जेंटीना आंसर करना है। वैसे तो दोनों की सीमा पे है लेकिन अगर अर्जेंटीना ही आंसर ऑप्शन में केवल है तो अर्जेंटीना आंसर रहेगा। एंकाकागुआ यह है। यहाँ एक ज्वालामुखी पर्वत भी इसके ऊपर है जिसका नाम है ओजोइस डेल सलादो। एंडीज पर्वत पे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में एक ज्वालामुखी मिलेगा जिसका नाम ओजेस डेल सलादो है और यह भी अर्जेंटीना में है। लेकिन अगर पूछा जाए कभी आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो यह पेरू देश में एंडीज पर्वत के ऊपर ही है और नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, यह भी एंडीज पर्वत पे मिलेगा। देश अगर पूछेगा तो पेरू, नाम पूछेगा तो कोटोपैक्सी। लेकिन कुछ किताबों में आपके ओजेस डेल सलादो को भी विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी मानेंगे और जब इसको सक्रिय मानेंगे तो यह सबसे ऊंचा हो जाएगा। तो ये दोनों कोटोपैक्सी ओजेस डेल सलादो भी आपके सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, एंडीज पर्वत के ऊपर स्थित हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। लंबी नदी तो आपने पढ़ी थी कि विश्व में सबसे लंबी नदी जो है आपकी नील नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में अपना जल ले जाती थी। लंबाई ज्यादा है लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, पानी की मात्रा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये पेरू देश में एंडीज पर्वत से निकलेगी और इस तरीके से निकलते विषुवत रेखीय क्षेत्र से होकर बह के जाएगी। और इस नदी का नाम क्या है, तो आप सब जान रहे होंगे मेरे हिसाब से, अमेजन नदी। अगर आपसे पूछे तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से और विश्व की दूसरी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी का नाम पूछे तो नील नदी और दूसरी सबसे लंबी पूछे तो अमेजन नदी, इसकी लंबाई लगभग आपको 6400 किलोमीटर के आसपास है।
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पूछे, सबसे लंबी पूछे, अमेजन आपका आंसर रहेगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत इसके पास है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी दक्षिणी अमेरिका में है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन इसके पास में है, और यहीं पे आपको पेरू और बोलीविया आपने सुने होंगे, ये पेरू है और बोलीविया है, ये दोनों देश जो हैं आपके, इनकी सीमा पे एक झील है। यहाँ पे कभी पूछे कि किन दो देशों के साथ सीमा बनाती है झील, तो यहाँ आपकी झील स्थित है, और दोनों देशों की सीमा पर स्थित इस झील का नाम क्या है कभी पूछे आपसे, तो इस झील का नाम है टी टी काका। विश्व के बड़े बड़े चीजों की बात कर रहे हैं अभी हम, तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है, तो आंसर रहेगा आपका टीटीकाका कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, और टीटीकाका झील किस देश में स्थित है, तो दो देशों के मध्य है, बोलीविया और पेरू की सीमा पे बनती है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत हो गया, विश्व की बड़ी नदी हो गई, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो गया, और विश्व में सबसे ऊंची नौगम्य झील का नाम टीटीकाका के नाम से आपको जानते हैं। अभी ये विश्व का सबसे लंबा देश अगर पूछे तो चिली विश्व का सबसे लंबा अर्थात इसका सर्वाधिक अक्षांशों में विस्तार है। विश्व का पांचवा बड़ा देश पूछेगा तो ब्राजील है, यह भी आपने याद किया। अब यहां नीचे जाते हैं और यहां दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में अगर आप चले गए तो यहां एक द्वीप फैला हुआ है, ये द्वीप का नाम है टियरा डेल फियागो, और इस टियरा डेल फियागो में सबसे दक्षिण में एक जगह है उसका नाम है कैप हॉर्न। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए आपसे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो कैप हॉर्न है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि से नीचे एक अलग से आपको द्वीप मिलेगा टियरा डेल फियागो, और वेरी इंपॉर्टेंट कि इस द्वीप और मुख्य भूमि को अलग करने वाली यहां एक जल संधि है। दक्षिणी अमेरिका और टियरा डेल फियागो द्वीप के मध्य एक जल संधि है जो कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है, और इस जल संधि का नाम हमने संपूर्ण पृथ्वी का पहली बार चक्कर लगाने वाले विद्वान के नाम पर रख दिया, और विद्वान का नाम क्या था, तो मैगेलन। पृथ्वी का प्रथम चक्कर लगाने वाला विद्वान कौन है, तो मैगेलन, और मैगेलन के नाम पे हमने एक जल संधि बना दी। दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और टियरा डेल फियागो के बीच स्थित है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम भी करती है। ये सारी चीजें आपको इस महाद्वीप के बारे में याद करना है। यहां तक की बातें मेरे हिसाब से हर विद्यार्थी की क्लियर हुई होंगी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से पांचवें नंबर पे है, अक्षांशीय दृष्टि से इसका अधिकतर पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसका उत्तरी गोलार्ध में भी है, देशांतर की दृष्टि से पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज है, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम एंका का गुआ है जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर 6960 मीटर ऊंची है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पेरू में आपने पढ़ाई होगा कोटोपैक्सी। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील का नाम अभी आपने पढ़ाई है टीटीकाका जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम आपने पढ़ा अमेजन नदी है, और इस महाद्वीप के दो लैंडलॉक्ड देशों के नाम बोलीविया और पराग्वे के नाम से आपने पढ़ा। सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन है, तो आपके उरुग्वे है जिसने पहली बार फुटबॉल विश्व कप भी जीता था, याद रखिए इस बात को। इतना अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें याद करना है, तो ध्यान से सुनते चलें कि क्षेत्रफल में इसका स्थान चौथा है और जनसंख्या में इसका स्थान पांचवा है। अब ये दक्षिणी अमेरिका और जो कल आपने पढ़े थे मध्य अमेरिका के कुछ देश और कैरिबियन सागर में जो द्वीप है उनको हम कैरिबियन द्वीप या वेस्ट इंडीज कहते हैं। इन तीनों देशों पर, ये तीनों जो क्षेत्र हैं इन पर आपके मुख्यतः यूरोप के देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, पुर्तगाल के लोगों ने, स्पेन के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने, इटली के लोगों ने। अब ये जो भाषा है आपकी,
यूरोप की जो भाषा है कौन कौन सी भाषा, तो यहाँ एक तो पुर्तगाली भाषा की बात कर लें, स्पेनिश भाषा की बात कर लें, स्पेनिश के अलावा फ्रेंच भाषा की बात करें या इटावली भाषा की बात करें। जैसे भारत की सभी भाषाओं की जननी हम किसको कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं, उसी प्रकार यूरोप की इन सभी भाषाओं की जननी जो है ना वो कौन सी भाषा है, तो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा है। और इन देशों ने यहाँ पे अधिकार किया तो अधिकतर जनसंख्या भी इन्हीं भाषाओं को बोलती है। तो कई बार पूछा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों को मिलाकर हम किस नाम से जानते हैं, तो लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका में अगर मैं जाऊं तो ब्राजील पर अधिकार किया था बेटा आपके पुर्तगाल ने, तो ब्राजील की जो मुख्य भाषा है वो तो पुर्तगाली है, और बाकी जो आपका क्षेत्र है उसकी मुख्य भाषा कौन सी है, तो स्पेनिश भाषा वहां के लोग बोलते हैं। अर्थात स्पेन और पुर्तगाल का ही ज्यादातर अधिकार रहा है, इंग्लैंड यहां नहीं गया है। इसके बाद यदि हम स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जाता है, और देशांतर में 35 डिग्री पश्चिम से लेकर 81 डिग्री पश्चिम यानी कि पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध में है। 10-12 देश हैं, सभी देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। कल हमने मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देशों की राजधानी, तो इसकी भी याद होनी चाहिए, कई बार पूछी जाती है। ब्राजील की तो वैसे ही याद रह जाएगी बेटा, ब्राजील यही है। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी जैसे याद की थी, वैसे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की मुद्रा का नाम रियल है। अर्जेंटीना जो इस बार फुटबॉल का विश्व कप भी जीता था जिसने, इसकी राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स। और पेरू जो देश है इसकी राजधानी का नाम लीमा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो है। बोलीविया की राजधानी का लापाज है। अब ये लापाज और याद करना है आपको। कभी प्रश्न आ जाए कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है या सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, तो बोलीविया की लापाज सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चिली की सैंटियागो है। इक्वेडोर की क्वीटो है। क्वीटो को हम शाश्वत बसंत का शहर भी कहते हैं, अर्थात पूरे साल बसंत जैसा मौसम रहता है। क्यों? अधिक ऊंचाई के कारण। तो सभी देशों की राजधानी थोड़ा सा देख के आपको जानी है। सुरीनाम जो कि ब्राजील के ऊपर था, इसकी पराम रिबो। वेनेजुएला की कराकस। आपके ट्रिनिडाड और टोगो की पोर्ट ऑफ स्पेन जो कि कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। गुयाना की जॉर्ज टाउन है। आपके पराग्वे असुनसियन लैंडलॉक्ड देश था, बीच में था। उरुग्वे की राजधानी का नाम मोंटीवीडियो है, और फ्रेंच गुयानी का नाम है काइंडी। ये सभी देशों की राजधानी एक बार लिख के याद करना, जरूर आपसे पूछी जाएगी। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम स्थलाकृति की बात कर लें आपसे कि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थलाकृति किस प्रकार की है, तो मुख्यतः इसको हम चार पार्टों में बांट सकते हैं। यहाँ अगर इस एंडीज पर्वत के पश्चिम में जाओगे तो इधर की साइड जो ये पार्ट है आपके बिल्कुल तट के सारे सारे फैला हुआ है, इसे तो तटीय मैदान कहेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान। सका है लेकिन उपजाऊ है, प्रशांत महासागर के तट पे फैला हुआ है। और तटीय मैदान के बाद अगर मैं आपको लेके आ जाता हूँ तो ये लाल कलर का जो आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे की साइड, ये जो आपके है ये पर्वतीय प्रदेश है। और इस पर्वतीय प्रदेश में ऊपर से नीचे तक एक ही पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, एंडीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत के बाद में इसी के सहारे सारे लगे हुए कुछ पठार मिलेंगे आपको। याद रखना, अगर किसी पठार के दोनों ओर पर्वत हैं तो उन्हें तो कहते हैं हम अंतरा पर्वतीय पठार। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में कल आपने पढ़े थे अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोरेडो का पठार, वो सारे के सारे अंतरा पर्वतीय पठार है। आपका तिब्बत का पठार अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। लेकिन अगर किसी पठार के एक साइड में तो पर्वत है और दूसरी साइड में मैदान है तो उसे कहा जाता है पर्वतपदीय पठार, यानी कि पर्वत की तलहटी में स्थित पठार। तो दोनों पठार याद करने हैं, पर्वतपदीय पठार भी होते हैं और आपके अंतरा पर्वतीय भी होते हैं। ऊपर जाओगे तो यहां आपके एक पठार आपको यहां बोलीविया देश में मिलेगा जिसको बोलीविया का पठार ही कहते हैं। और यहां नीचे आए अर्जेंटीना में तो यहां एक आपको पठार मिलेगा जिसे पेंटागोनिया का पठार कहते हैं। अब पेंटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत के तलहटी में है।
अब प्रशांत महासागर से जो पवने आएंगी, आर्द्रता से लदी हुई पवने आएंगी, ये एंडीज पर्वत के इस ढाल पे, पवन मुखी ढाल पे तो वर्षा करेंगी, लेकिन एंडीज पर्वत को पार करके जैसे ही पवन विमुखी ढाल पर पहुंचेंगी तो यहाँ वर्षा नहीं होगी। अर्थात पेंटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया चित्र में स्थित है, और वृष्टि छाया चित्र में होने के कारण पेंटागोनिया के पठार पर वर्षा नहीं होगी, शुष्क होगा, और शुष्क होगा तो पेंटागोनिया का ये पठार जो है किसके रूप में है, मरुस्थल के रूप में है। दोनों तरीके से याद रखना, पेंटागोना पठार भी है जो कि पर्वतपदीय पठार का उदाहरण है, और पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है। ये दोनों चीजें कहाँ है, तो अर्जेंटीना में, बोलीविया का पठार बोलीविया में, और ये जो आपकी इधर की पूरी भूमि है ये ब्राजील का पठार कहलाती है। इसके बाद अगर मैं बीच वाले पार्ट में आता हूँ तो बीच वाला पार्ट ये वाला पार्ट पूरा, इसके बाद आपके नीचे वाला पार्ट, ये जो है ना ये मैदान के रूप में है, बीच वाला पार्ट ये उच्च भूमि कहलाती है ब्राजील वाला, और बीच वाला पार्ट जहाँ की ओरोनिको नदी, अमेजन नदी और पराना परागवे उरुग्वे नदी, तो ये बीच वाले पार्ट में आपके मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। इस तरीके से आप इसके भौतिक स्वरूप को समझ सकते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है इसके अंतर्गत। अब यदि बात करें हम तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत जो कि आपने बताया ही है एंडीज पर्वत है, लंबाई 7200 किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी का नाम मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि दोनों देशों की सीमा पे है, नाम क्या है तो एंकाकागुआ, एंकाकागुआ। और एंकाकागुआ की आपकी हाइट अगर पूछे आपसे तो 69-60 मीटर के आसपास है। यही अर्जेंटीना में एक और चोटी आपको मिलेगी जिसका नाम है ओजेस डेल सलादो, ओजेस डेल सलादो इससे थोड़ी कम ऊंची है, और ये ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। पेरू में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक और पर्वत चोटी मिलेगी इसका नाम है कोटोपैक्सी, लेकिन ये आपके ज्वालामुखी निर्मित पर्वत कहलाएगा कोटोपैक्सी जो है। चेम्बाराजो भी एक ज्वालामुखी पर्वत है, चेम्बाराजो जो कि आपके पेरू देश में स्थित है। नीचे वाले दोनों जो है अर्जेंटीना में स्थित है। अब ये जो आपकी एंडीज पर्वत है, इस पेंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल यानी कि पवनमुखी ढाल पे तो वर्षा होती है, लेकिन जैसे ही आपके वृष्टि छाया क्षेत्र में आओगे यहाँ वर्षा आपको नहीं प्राप्त होगी। तो देखें आप एक बार कि हमारा ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में जाओगे तो अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दोनों अमेरिकाओं को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो पनामा स्थल संधि है। जल संधि जल को जोड़ने का काम करती है और स्थल संधि स्थल को जोड़ने का काम करती है। अब पनामा स्थल संधि को काटकर हमने एक नहर बना दी और नहर का नाम क्या रख दिया, पनामा नहर। जैसे आपने स्वेज नहर पढ़ी थी उसी प्रकार पनामा नहर है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण हुआ था 1914 में। पनामा नहर का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया, तो सन 2000 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। वर्तमान में ये पनामा देश के अधिकार में है। जैसे स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र ने किया था, उसी प्रकार पनामा नहर का राष्ट्रीयकरण पनामा देश ने सन 2000 में कर दिया। पनामा नहर से सबसे ज्यादा लाभ किस देश को होता है, तो आपके यूएसए को होता है। पनामा नहर किन महासागरों को आपस में जोड़ने का काम करती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ये सारे प्रश्न आपको पनामा नहर पे याद करने हैं। विश्व का सबसे लंबा पर्वत मैं बता ही चुका हूँ, लंबाई इसकी आपको याद ही है। एंडीज पर्वत पे ही दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैं बता चुका हूँ आपको एंकाकागुआ, 69-69 या 60 के आसपास इसकी ऊंचाई है, लगभग आप कह सकते हैं कि 6,500 मीटर के आसपास है। आओ जी आगे। विश्व में जल अपोहा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अमेजन नदी है, जो कि बहकर अटलांटिक महासागर में अपना जल ले जाती है। अब ये जो अमेजन नदी है ये विषुवतरेखीय पेटी में है, और विषुवतरेखीय पेटी में प्रतिदिन वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। दोपहर तक संवहन धाराएं उठती हैं और दोपहर बाद वर्षा प्रारंभ हो जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, पूरे साल सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो वर्षा अधिक है, तापमान भी अधिक है, तो इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं ये अमेजन बेसिन में बहुत ज़्यादा सघन पाए जाते हैं,
और यहाँ पाए जाने वाले इन वनों को किस नाम से जाना जाता है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आपके सामने आएगा। तो अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले सदाबहार वनों को सेल्वास कहते हैं। यहाँ आपको सिंकोना मिलेगा, रोजवुड मिलेगा, अबोनी है, महोगनी है, वाल्सा है, ये सारे के सारे पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। पेड़ों के साथ साथ बेल, बूटे और लताएं भी पेड़ों के ऊपर छंडी हुई होती हैं। सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए पेड़ों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। सघनता अधिक होने के कारण एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, अर्थात यहाँ परिवहन का विकास नहीं हुआ है। ये जो अमेजन बेसिन के सेल्वास वन हैं, इस सेल्वास वनों में एक पेड़ पाया जाता है जिस पेड़ का नाम है वाल्सा, अमेजन बेसिन में मिलता है। आपसे पूछे कि किस पेड़ की लकड़ी सबसे कम वजन वाली होती है, जिसमें वेट ही नहीं होता, पैकिंग के सामान के काम आती है, पैकिंग के डिब्बे बनाने, तो वाल्सा विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है, वजन ही नहीं है। अमेजन बेसिन के सेल्वास वनों में ही एक और पेड़ पाया जाता है, उस पेड़ का नाम क्या है, तो सिंकोना है। क्यों याद करें सिंकोना को, कि सिंकोना वृक्ष जो है इसकी छाल को उतार कर उसे मलेरिया की कुनैन दवा बनाई जाती है। तो मलेरिया की कुनैन दवा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो सिंकोना से। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में। तो कभी पूछे आपसे कि विश्व में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो विश्वतरेखीय पेटी में मिलती है, और विश्वतरेखीय पेटी में ही कौन है, आपके अमेजन बेसिन है। अगर विश्वतरेखीय पेटी से आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो जैव विविधता क्रम से कम होती जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इन अमेजन बेसिन के बारे में याद करने हैं। अब चूंकि वृक्षों की सघनता बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जलवायु मानव के निवास या स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, घने जंगल पाए जाते हैं, मच्छर वगैरह, कीड़े, सांप वगैरह, एनाकोंडा जैसे सांप पाए जाते हैं, तो मानव यहाँ कम निवास करता है। और ऐसे घने जंगलों में तो केवल आदिवासी लोग ही निवास कर सकते हैं, क्योंकि वही प्रकृति के वास्तविक जो है संरक्षक या कहे कि वास्तविक अनुकूलन करने, जो कि बर्फीले क्षेत्र में भी रह सकते हैं एस्किमो जैसे, और विषुवत रेखा के आसपास भी रह सकते हैं, जैसे कि पिग्मी भी आपने पढ़ा होगा। तो प्रश्न आएगा कि अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो फिर आपको बताना होगा कि बोरो जनजाति पाई जाती है। अब आदिवासी ये जनजाति लोग हैं, ये खेती तो करेंगे, लेकिन पूरे जंगल के मालिक हैं, तो कहीं भी जहां मर्जी है वहां खेती कर सकते हैं। आधुनिक बीज, खाद, रासायनिक दवाई इनके पास है नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे कि स्थान को बदल बदल कर खेती करते हैं, जिसे हम स्थानांतरित खेती कहते हैं। आपसे प्रश्न आएगा कि अमेजन बेसिन में की जाने वाली स्थानांतरित खेती को किस नाम से जानते हैं, तो रोका कहते हैं। और ऐसी ही खेती दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में भी की जाती है, वहां इसको कोनुको कहते हैं। और ऐसी ही खेती मध्य अमेरिका में भी की जाएगी, और मध्य अमेरिका में इसको किस नाम से जानते हैं, तो मिल्पा। तो जैसे आपने एशिया महाद्वीप की स्थानांतरित खेती पढ़ी थी, उसी प्रकार यहां भी पढ़नी है आपको कि ब्राजील में स्थानांतरित खेती को तो रोका कहते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, और वेनेजुएला में इसको कोनुको कहा जाते हैं। बोरो जनजाति के अलावा अगर आप इक्वेडोर में गए तो वहां आपको ओका जनजाति मिलती है, और मध्य अमेरिका में आओगे तो वहां माया सभ्यता का विकास किया था, याद है किसने, माया जनजाति के द्वारा किया गया है। तो बोरो अमेजन बेसिन में है, ओका जनजाति इक्वेडोर में है, माया जनजाति मध्य अमेरिका में है, ब्राजील में या अमेजन बेसिन में स्थानांतरित खेती को रोका कहते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, और वेनेजुएला में इसको कोनुको कहते हैं। ये सारे के सारे क्रम से आपको याद करने हैं। क्लियर है यहां तक की बात? किसी प्रकार का डाउट हो तो मैसेज जरूर डाला करें। घास के मैदान बता चुका हूं मैं आपको, अगर कर्क और मकर रेखाओं के बीच घास के मैदानों का विकास हुआ है तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, और इनसे ऊपर हुआ है तो शीतोष्णकटिबंधीय होंगे, और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान तो मुख्यतः आपकी गेहूं की व्यापारिक खेती के लिए भी फेमस है, जैसे कि पेरी आपने पढ़ा था, स्टेपीज आपने पढ़ा था, वेल्ड आपने पढ़ा था। तो यहां आते हैं कि यहां उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की अगर मैं आपसे बात करूं
तो ब्राजील में जो मिलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उनको कहा जाता है कैंपोस, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे है तो उष्णकटिबंधीय है। ऊपर यहाँ वेनेजुएला है, और वेनेजुएला में इनको किस नाम से जानते हैं, तो वहां इनका नाम है लानोस। ये दो तो बेटा उष्णकटिबंधीय हो गए, वेनेजुएला में लानोस हो गए और ब्राजील में कैंपोस हो गए। यहां पराग्वे, उरुग्वे और ये छोटे से देश जो अर्जेंटीना खासकर, यहां शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको पंपास कहते हैं। पैम्पेरू पवन भी यहां चलती है। तो 200 उष्णकटिबंधीय हो गए बेटा। वेनेजुएला में लानोस कहा, ब्राजील में कैंपोस कहा, और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो मुख्यतः अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक? इन घास के मैदानों के अलावा अगर यहां मैं बात करूं तो ये आपके बोलीविया, ये आपके पराग्वे, ये आपका उरुग्वे, और ये अर्जेंटीना का ये वाला पार्ट खासकर थोड़ा सा उपोष्ण कटिबंध कह सकते हैं आप इसे। नीचे तो शीतोष्ण कटिबंध है, ऊपर उष्ण कटिबंध है, दोनों के बीच का पार्ट उपोष्ण कटिबंध। इस उपोष्ण कटिबंध में भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कभी पूछिए आपसे तो ग्रांड चाको के नाम से इनको जानते हैं। ग्रांड चाको बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो कटीले घास के मैदान पाए जाते हैं वो ग्रांड चाको के नाम से जानते हैं। अब यदि जो एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत की मैं बात करूं आपसे, तो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर जो वनस्पति पाई जाती है, इसके जो पूर्वी ढाल हैं यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, इस वनस्पति को उष्णकटिबंधीय है, और इस वनस्पति का नाम क्या है, तो इसे मोंटाना कहते हैं। मोंटाना, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं। उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो बोलीविया, पराग्वे, उत्तरी अर्जेंटीना में पाए जाते हैं वो ग्रांड चाको कहलाते हैं। अर्जेंटीना में पंपास शीतोष्णकटिबंधीय के हैं। ब्राजील में इनका नाम उष्णकटिबंधीय घास के कैंपोस, वेनेजुएला में लानोस हो गया। अब ब्राजील का जो आंतरिक पार्ट है, ये जो आंतरिक पार्ट है ये थोड़ा सा शुष्क है, पठारी भाग है, वर्षा कम होती है, और यहां कटीली झाड़ियां पाई जाती है, इसको कटिंगा के नाम से जानते हैं। कटिंगा के नाम से जानते हैं। तो ब्राजील के पार्ट पर कुछ कटीली झाड़ियां पाई जाती है जिन्हें किस नाम से जानते हैं, तो कटिंगा। अब हमारे यहाँ पे असम साइड में आपको पता है कि चाय का पौधा होता है, और उस चाय के पौधे से पत्तियां निकालकर हम चाय बनाते हैं। तो इस ब्राजील में चाय का पौधा तो मिलता नहीं है, लेकिन चाय जैसा ही एक पौधा मिलता है, और उस पौधे का नाम क्या है, यारवा माटे। वेरी इंपॉर्टेंट, आईएएस प्री तक ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बाकी एग्जामों में पूछा गया है कि ब्राजील में किस वृक्ष के पौधे से चाय बनाई जाती है, तो यारवा माटे के पौधे से पत्तियां इकट्ठा करके चाय बनाने का, चाय जैसा पेय पदार्थ बनाने का काम करते हैं। जब चाय की बात आ गई तो फिर ब्राजील की फिर दोबारा से हमें याद आएगी। चाय तो नहीं मिलेगी, लेकिन ब्राजील में कॉफ़ी खूब मिलेगी, और कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ आपके टेरारोसा नामक मिट्टी में होगा। मिट्टी का प्रकार कौन सा है, तो टेरारोसा। तो यहाँ ब्राजील में एक चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है, इसका नाम है टेरारोसा। टेरारोसा क्या है, तो मिट्टी है। कहाँ मिलेगी मुख्यतः, चूना युक्त क्षेत्रों में, चूना युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस टेरारोसा नामक मिट्टी में यहाँ पर एक फसल बहुत पैदा होती है, जिसे कहवा या कॉफी कहते हैं। कहवा या कॉफी कहते हैं, रोपण कृषि की फसल है, एक बार बाग लगा दो लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त होगा। तो ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बाग लगा दिए। आपसे पूछेगा कि कहवा के इन बड़े बड़े बागों को ब्राजील में क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है कि ब्राजील में पाए जाने वाले बड़े बड़े कहवा के बाग फेजेंडा कहलाते हैं। ब्राजील संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है, और कहवा उत्पादन कौन सी मिट्टी में होता है, तो टेरारोसा मिट्टी में होता है। लेकिन कहवा का उत्पादन यहाँ ऊपर एक और देश करता है, इतना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो करता है, और देश का नाम क्या है, तो कोलंबिया है। और कोलंबिया में जो बड़े बड़े बाग पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है फिंका।
तो कहवा के बागों को ब्राजील में फेजेंडा कहते हैं और कोलंबिया में उनको फिंका के नाम से जानते हैं। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाए जाने वालों को मोंटाना कहते हैं। बोलीविया, पराग्वे, उत्तरी अर्जेंटीना में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को ग्रांड चाको कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पंपास और पंपास घास के मैदान जो हैं गेहूं की व्यापारिक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं और यहीं पर आपके पशुपालन का काम भी बहुत किया जाए। घास तो पशु पाले जाएंगे और पशुपालन के लिए बड़े बड़े आपके फार्म हाउस बना दिए जाते हैं जहाँ पशु चढ़ते रहते हैं। उन फार्म हाउसों को एस्टेंसिया कहते हैं। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले बड़े बड़े फार्म हाउसों को एस्टेंसिया के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान देखो एक बार, सारे याद रहने चाहिए आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अलग से हम सभी घास के मैदानों को और याद करेंगे लेकिन यहाँ आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है। कैंपोस आपके ब्राजील में है, लानोस वेनेजुएला में है, पंपास अर्जेंटीना में है। आओ जी आगे, दक्षिणी अमेरिका के पठार, वैसे तो मैं बता चुका हूं लेकिन दोबारा से आपसे चर्चा कर देते हैं कि एक पठार तो आपको इस लैंडलॉक्ड देश में मिला जिसे हमने बोलीविया का पठार कहा, एक यहां नीचे मिला जिसे हमने पेंटागोनिया का पठार कहा, और ये पूर्वी उच्च भूमि पर जो है ये ब्राजील का पठार है। तो बोलीविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार और ब्राजील का पठार। इनमें से पेंटागोनिया का पठार जो है आपके पर्वतपदीय पठार का उदाहरण है, एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। देश का नाम पूछे तो अर्जेंटीना में है और वर्षा नहीं होने के कारण पेंटागोनिया के मरुस्थल में तब्दील हो गया है। ये बात भी आपको इसमें याद रखनी है। ब्राजील का पठार ब्राजील का, बोलीविया का बोलीविया, खासकर ये वाला याद करना है कि पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना का है। पठार क्लियर है तो आगे बढ़े। दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल, एक मरुस्थल पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना है अगर मरुस्थल की बात आई है तो। इसमें देखिए आप, इस महाद्वीप का सबसे लंबा जो देश था मैंने आपको बताया वो आपके चिली और ऊपर वाला पेरू, तो पेरू और चिली की सीमा पर यहां पर एक मरुस्थल पाया जाता है। और पेरू और चिली की सीमा पर पाए जाने वाले इस मरुस्थल का नाम क्या है, तो आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल है आपके, याद रखना है, कई बार एग्जाम में आएगा। मुख्यतः विस्तार आपके चिली में है, थोड़ा सा पेरू में भी है। फिर मैंने आपको बताया था कि दुनिया के जितने भी आपके मरुस्थल हैं इन मरुस्थलों का विकास किसी ना किसी ठंडी धारा के कारण हुआ है। तो इस मरुस्थल के विकास में जिस ठंडी धारा का योगदान है उसे हम पेरू की ठंडी धारा, खोज करने के नाम पर उसे हम बोल्ट की धारा भी कहते हैं। तो आटाकामा मरुस्थल का विकास पेरू या हम बोल्ट की धारा के कारण हुआ है। और दुनिया में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उन सब में अगर आपसे पूछे कि शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा का मरुस्थल है। और इस आटाकामा के मरुस्थल पर चिली में एक जगह है, उस जगह का नाम है एकिक। ये विश्व का सबसे शुष्कतम तम स्थान है। देखो, विश्व का सबसे आर्द्र स्थान तो हमारे मेघालय में था, मासिनराम जिसे कहा आपने, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा तो मासिनराम में होती है। और विश्व का सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो एकिक जो कि आटाकामा के मरुस्थल में स्थित है। सबसे सूखा मरुस्थल पूछे तो आटाकामा है। लेकिन ये आटाकामा का मरुस्थल जो है ना बेटा, नाइट्रेट के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है। नाइट्रेट सबसे ज्यादा इस आटाकामा के मरुस्थल में ही पैदा होता है। आटाकामा के मरुस्थल का विकास पेरू या हम्बोल्ट की धारा के कारण हुआ। फिर मैंने आपको प्रशांत महासागर में पढ़ाया होगा कि यहां इस प्रशांत महासागर में एक प्रॉब्लम भी पाई जाती है कि कभी कभी इस पेरू या हम्बोल्ट की धारा के खिलाफ एक धारा उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। अस्थायी धारा है, कभी कभी चलती है, गर्म पानी की है। और इस अस्थायी धारा का नाम क्या है, तो इसका नाम है अल नीनो, अल नीनो। तो जब यहां पेरू या हम्बोल्ट की धारा चलती थी तो यहां हवा का अवतलन होने के कारण वर्षा नहीं हुई और आटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ। लेकिन 3 से 5 साल के अंतराल पर जहां जब कभी यहां अल नीनो धारा चलेगी तो ये गर्म धारा है और इस गर्म धारा के कारण इस
अटाकामा मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होगी, बाढ़ आ जाएगी, ये बात भी आपको याद रखनी है। और नीचे फिर एक मरुस्थल मैंने अलग से आपको बताया था, जिसे हमने पेंटागोनिया का मरुस्थल कहा। तो दो मरुस्थल आपको याद रखने थे। अटाकामा का मरुस्थल मुख्यतः चिली में है, थोड़ा सा पेरू में भी विस्तार है। ये विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है और वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण इस मरुस्थल का विकास अर्जेंटीना में हुआ। अटाकामा के मरुस्थल में एक जगह थी जिसका नाम था एकीकीय विश्व की सबसे सूखी जगह है, जो अटाकामा के मरुस्थल में स्थित है। क्लियर है यहां तक की बातें? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियां, अगर इस महाद्वीप की नदियों की मैं आपसे बात करूं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जल की मात्रा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि एंडीज पर्वत पर पेरू देश से निकलकर विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में बहकर यहां आती है, ये विश्व में सबसे बड़ी नदी है। और नदी का नाम आप सब जान ही रहे होंगे, अमेजन के नाम से जानते हैं। लंबाई इसकी लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है और लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी लंबी नदी है। सबसे लंबी नील थी और इसका नंबर दूसरा है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहती है और विषुवत रेखा पर पूरे साल वर्षा होती है। तो नदी पूरी तरीके से एक समुद्र के समान है। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, सेल्वास वन आपने पढ़े, बोरो जनजाति पड़ी, उसके द्वारा स्थानांतरित खेती की गई, बहुत प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ अजगर की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है, एनाकोंडा। इसके बारे में कहते हैं कि आप अगर पेड़ पे भी चढ़ जाओगे तो वहां से भी आपको खा सकता है चंडगर, पेड़ पे चढ़ के भी आपको खा जाएगा। एक फिल्म भी आई थी इसी के नाम से, एनाकोंडा के नाम से। तो ये अमेजन नदी है। एक नदी ऊपर की साइड बहकर जाएगी आपकी वेनेजुएला देश से बहकर, और यहां से बहकर ये नदी ऊपर आपके कैरिबियन सागर में जल डालेगी। इस नदी का नाम क्या है? ओरेनिको नदी है। और ओरेनिको नदी की एक छोटी सी शाख नदी है कैरो, और कैरो की भी एक चुरन नामक छोटी सी शाख नदी है। इस कैरो नदी पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है एंजेल जलप्रपात। आपसे कभी प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात, जो कि कैरो नदी पर स्थित है। याद रखिए इस बात को। आओ जी आगे। यहां ये एस्चुरी बनी हुई है, पानी अंदर तक घुसा हुआ है, और इस एस्चुरी में तीन नदियां आती हैं, एक परागावे, पराना, उरुगवे। पराना, परागावे, उरुगवे नदियां जो है आपकी अटलांटिक महासागर में जाती है, तीनों मिलकर डालती हैं, और यहां इन्होंने एक एस्चुरी का निर्माण कर दिया, और इस एस्चुरी का नाम क्या है? रियो डी ला प्लाटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी वालों के लिए, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए, कि रियो डी ला प्लाटा एस्चुरी का निर्माण कौन कौन सी नदियां मिलकर करती हैं? तो पराना, परागावे और उरुगवे नदियां मिलकर करती हैं। कहने का मतलब इसकी तीनों ही नदी जो है बड़ी नदी, ये अटलांटिक महासागर में अपना जल लेकर जाती है। आपको इतना याद रखना ही है। आओ जी, अमेजन नदी के बारे में मैंने बताया ही आपको अटलांटिक महासागर में, ओरेनिको नदी आपका कैरिबियन सागर जो कि अटलांटिक का ही पार्ट है, और ये तीन नदियां एक साथ जानी जाएंगी, पराना, परागावे, उरुगवे। तीनों ने मिलकर रियो डी ला प्लाटा एस्चुरी का निर्माण किया, और जल अपना कहां डाला? तो अटलांटिक महासागर में ही डाला। देखें एक बार, ओरेनिको जो नदी जो उत्तर की ओर बहकर कैरिबियन सागर में जाती थी, उसकी एक सहायक नदी का नाम केरो है, और इस केरो नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम आपको याद रखना, एंजेल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये एस्चुरी आपको मैंने पढ़ाई थी, रियो डी ला प्लाटा। और इसके बाद यदि आपकी अमेजन की सहायक नदियों की बात करें, तो दो बड़ी सहायक नदियों में एक तो जापुरा है और एक प्रूस है। ज्यादातर प्रश्न जो है आपके, एक तो रियो डी ला प्लाटा आता है, एक एंजेल जलप्रपात आता है, और बाकी क्वेश्चंस अमेजन के बारे में आते हैं। तो ये तीनों बड़ी नदी पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील मैंने आपको बताई थी टीटीकाका। टीटीकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर होने के बावजूद भी ये जमती नहीं है, और इसमें आप नाव चला सकते हैं, मछली पाल सकते हैं, मछली पालन का काम भी होता है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ जाए कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ऊंची तो आपने बता दी टीटीकाका,
लेकिन इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम है मराकारीबो। कहाँ है? तो वेनेजुएला देश में है, और ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भी है मराकारीबो। लापाच मैंने बताई दिया बोलीविया की राजधानी थी, जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। विषुवत रेखा पर इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो स्थित है। विषुवत रेखा पर होने के बावजूद भी यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना बना रहता है, बसंत जैसा बना रहता है। इस कारण हमें इसे निरंतर या शाश्वत बसंत का शहर कहते हैं क्यूटो को। दक्षिणी अमेरिका में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश एक ही है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है, ब्राजील। लेकिन अगर सबसे छोटे देश की बात करें तो सबसे छोटे देश का नाम फॉकलैंड है, जो कि अटलांटिक महासागर के दक्षिणी पार्ट में एक द्वीप है। और इस द्वीप पर कई बार विवाद भी है, तो विवाद के बारे में भी प्रश्न आ जाता है कई बार कि फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है, तो अर्जेंटीना और इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जो है, उन दोनों देशों के बीच इस द्वीप को लेकर विवाद है। हालांकि वर्तमान में इस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। ग्रांड चाको मैंने बताई दिया आपको, घास के मैदान थे, जो कि दक्षिणी अमेरिका के मध्य पार्ट में, जैसे कि बोलीविया हो गया, अर्जेंटीना और पराग्वे क्षेत्र में पाए जाते हैं। कैसे घास के मैदान है? तो उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय है। इन घास के मैदानों को पराग्वे में पंटाना भी कहते थे। ब्राजील में कटीली झाड़ियां जो पाई जाती हैं, उन्हें मैंने बताया आपको कि कटिंगा कहते हैं, कटीली झाड़ियां जो कि पठारी क्षेत्र में पाई जाती हैं। एंड एस्टेंसिया बताया मैंने आपको कि अर्जेंटीना में जो घास के मैदान हैं, वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, पशुओं के बाड़े होते हैं, उन बाड़ों को ही क्या कहते हैं? तो एस्टेंसिया कहते हैं। फेजेंडा आप जानते हैं, ब्राजील में कहवा के बाघ जो होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है, कहवा के बाघ फेजेंडा कहलाते हैं। अब कहवा ज़्यादा पैदा होता है तो कहवा की मंडी भी लगेगी और कहवा का निर्यात भी होगा ब्राजील से। विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन ब्राजील करता है, तो कहवा की सबसे बड़ी मंडी तो इस शहर में लगती है, साओ पोलो में। तो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी तो साओ पोलो, और जिस बंदरगाह से इसका निर्यात किया जाता है उस बंदरगाह का नाम है सैंटोस। तो विश्व का सबसे बड़ा कहवा पतन यानी कि कहवा बंदरगाह कौन सा? सैंटोस है। लेकिन ये तो ब्राजील में थे। जैसे ब्राजील में फेजेंडा है, उसी प्रकार से कोलंबिया में कहवा के बाघ जो होते हैं उनको फिंका के नाम से जानते हैं। फिंका कोलंबिया में कहवा के बाघ हैं। और कहवा उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी ब्राजील में मानी जाती है? तो टेरा रोसा मिट्टी में पैदा होता है, और टेरा रोसा मिट्टी जो है ये मुख्यतः आपकी चूनायुक्त मिट्टी है। देखो ब्राजील में कहवा तो बहुत पैदा होता है लेकिन चाय पैदा नहीं होती है, तो चाय का काम कैसे चलाएं? तो चाय जैसा ही एक पौधा पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आईएस प्री में आ चुका है कि ब्राजील के लोग किस वृक्ष की पत्तियों से चाय बनाते हैं, तो पौधे का नाम है यारवा माटी, और इसकी पत्तियों से यहाँ चाय बनाने का काम किया जाता है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाले वनों को किस नाम से जाना जाता है? आए कभी आपके सामने प्रश्न तो बता देना, मोंटाना कहते हैं उन्हें, मोंटाना के नाम से जाना जाता है। अल्फा अल्फा घास, ये भी एक घास ही है जो कि अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के क्षेत्र में पाई जाती है, और पशुओं के लिए भरपूर पोषक तत्व इसमें होते हैं, कोई खास बात नहीं है, याद कर सकते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन और विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है ब्राजील, और यूएसए के बाद दूसरा सोयाबीन का बड़ा उत्पादक देश भी है यह, तो यानी कि ब्राजील कहवा, गन्ना और सोयाबीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे आपने मैक्सिको में अपने एक खान पड़ी थी चिहुआ हुआ, चांदी की सबसे बड़ी खान थी, बहुत बार एग्जाम में आती है, उसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चिली देश है, और चिली देश में एक खान है जिसका नाम है चिक्विका माटा, और चिक्विका माटा जो है बेटा तांबा उत्पादन के लिए। तो एक चांदी की और एक तांबे की, ये दो खान हमेशा आपको याद रखनी है। चिहुआ हुआ में तो चांदी मिलती है, और चिक्विका माटा में आपको तांबा मिलता है, और ये खान कहाँ पे है? तो आपके चिली देश में है, और चिली में ही आटाकामा का मरुस्थल था, और आटाकामा के मरुस्थल में कौन सा खनिज मिलता है? तो नाइट्रेट उत्पादन होता है। ब्राजील में लोहा उत्पादन की खान कौन सी है? तो इतनी बड़ा खान जो है लोहा उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ये कुछ प्रोडक्शन भी आपको याद करने हैं कि कहवा गन्ना उत्पादन में ब्राजील का पहला स्थान है, इसके अलावा वहाँ सोयाबीन भी पैदा होता है,
तांबा सबसे ज्यादा चिक्यूका माटा खान से मिलता है, नाइट्रेट सबसे ज्यादा चिली देश में अटाकामा के मरुस्थल से मिलता है, ब्राजील जो है इसकी इतिबरा खान लोहा उत्पादन के लिए जानी जाती है, और दक्षिणी अमेरिका में मरा कारिबे झील आपने पढ़ी थी, उस मरा कारिबे झील के आसपास के क्षेत्र में पेट्रोल वेनेजुएला में बहुत मिलता है, ये भी याद रखें। अब कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद करने हैं, उनके लिए दोबारा से हम मैप पे चलते हैं। मैप यहाँ नहीं है तो उधर ही आते हैं, ये वाला मैप यूज कर लेते हैं। ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके बारे में फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आपकी दो रेखाएं मुख्यतः गुजरती हैं, एक विषुवत रेखा और एक आपकी मकर रेखा। प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार की बड़ी एग्जामों में आता है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि दक्षिणी अमेरिका में विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा बेटा ये बड़ा सा देश आपको दिख रहा होगा, ब्राजील। ब्राजील से आप आगे चले जाना और आगे चल के यहाँ इस देश में प्रवेश कर जाना और ऐसे निकल जाना, ये तो बेटा आपकी जीरो डिग्री है। और ये जीरो डिग्री रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो तीन देशों के नाम क्या है, तो तीन आप अक्षर ले लेना, इन देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, कभी प्रश्न आपके सामने आए तो बता देना। एक देश का नाम तो है, तीन देश हैं टोटल, पहला देश कौन सा है, तो इक्वेडोर। ये यहाँ वाला जो देश है ना, ये वाला, ये इक्वेडोर है। दूसरा देश जो है जिससे गुजरेगी वो कोलंबिया है, और तीसरा देश तो आप जान ही रहे होंगे, ब्राजील है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आएगा आपके सामने कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विषुवत रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो शॉर्ट में आप इसे ईकेबी कह सकते हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। कोलंबिया आप सी से बनाओ तो ईसीबी कह देना, आपकी मर्जी है, हमने शॉर्ट में याद करने के लिए, या तो आप ईकेबी बना दो, और कोलंबिया को सी से बनाते हो तो आप ऐसे कर देना, इसको क्या दिक्कत आ रही है, ईसीबी। अब आते मकर रेखा की बात। मकर रेखा जिन देशों से गुजरती है उन देशों को हम शॉर्ट में CPS कैप्स, अगर आपसे पूछे कि वो कौन से देश हैं जिनसे होकर आपकी मकर रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा पर जो देश हैं उनमें से अगर आप जाओगे तो यहां दक्षिणी पार्ट से होकर गुजरेगी, और सबसे पहले तो ये देश आ गया, इसके बाद आपका ये देश आएगा, और यहां से चलकर एक दो तीन चार और पांच, इन देशों से होकर गुजरेगी। सबसे इधर वाला देश कौन सा है, तो ये वाला देश आप जान ही रहे होंगे, चिली है जहां से गुजरी। ये कौन है, तो इसको आप जानते हैं, अर्जेंटीना। ये वाला देश कौन है, तो पराग्वे। और ये जो आपका देश बड़ा सा देश आ रहा है, ये वाला देश, इस देश का नाम आपने सुनी रखा होगा, ब्राजील। तो यहां से होकर आपकी मकर रेखा गुजरी। एक और क्वेश्चन इसमें से आपको याद करना है, सभी महाद्वीपों में हमने सबसे लंबे रेल मार्ग याद किए थे, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है। तो रेल मार्ग का नाम तो पर्वत के नाम पे, ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस एंडीज रेल मार्ग है, ये बात भी आपको क्रम से याद रखनी है। आओ जी, ये रहे हम यहां पे थे। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अगर हमसे पूछे कि मकर रेखा किन देशों से गुजरती है, तो फिर आपको ये चार देश याद करने थे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। शॉर्ट में हम इसे कैप कह सकते हैं, CAPB। और यदि विषुवत रेखा की बात करें तो केवल तीन देशों से गुजरती है, ये रहे आपके तीन देश। अब यहां ऊपर वाले में भी ब्राजील है और नीचे वाले में भी ब्राजील है। आपने पढ़ा होगा कि दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है, वो तो आपके था अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन विश्व का एकमात्र देश जिससे दो रेखा गुजरती है कम से कम, वो है ब्राजील। ब्राजील से विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है।
ब्राजील विश्व का एकमात्र देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे लंबे रेलमार्ग का नाम अगर पूछा जाए तो पर्वत के नाम पे याद करना, ट्रांस एंडीज रेलमार्ग है। और ट्रांस एंडीज रेलमार्ग चिली जो है आपके, उस चिली के एक शहर है चिली देश में वालपेरेजो, यहां से शुरू होगा और अर्जेंटीना की राजधानी तक जाएगा। राजधानी का नाम क्या है, तो ब्यूनस आयर्स है। तो दोनों टर्मिनल भी याद करने कि चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है, वालपेरेजो से शुरू होता है और ब्यूनस आयर्स तक आता है। आओ जी, दक्षिणी अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश में आपको पढ़ाई चुका हूं कि बोलीविया और पराग्वे स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश थे। एक और क्वेश्चन आता है भूमध्य सागरीय जलवायु का। वैसे तो भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, वायु दाब की पेटियों के खिसकाव से इसका निर्माण होता है, वर्षा शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल में नहीं होती और खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब भूमध्य सागर के अलावा ये उत्तरी अमेरिका में तो कैलिफोर्निया में मिलेगी, दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य सागरीय जलवायु आपको मध्य चिली में पाई जाती है, प्रश्न याद करना है, खासकर फर्स्ट ग्रेड वाले इसको याद करें कि दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो मध्य चिली में। दक्षिणी अमेरिका में कुछ मिश्रित प्रजाति पाई जाती हैं जिनका विकास दो प्रजातियों से मिलकर हुआ है, उनमें एक प्रजाति का नाम है मेस्टिजो, इसका विकास तो इंडियन और यूरोपियों से मिलकर हुआ है। इसी प्रकार एक प्रजाति का नाम है मुलाटो, इसका विकास अश्वेत और यूरोप से मिलकर हुआ है। और तीसरी प्रजाति यहां मिलती है जैम्बो, इसका विकास अश्वेत और निग्रो से मिलकर हुआ है। तो फर्स्ट ग्रेड वाले इन तीनों प्रश्नों को भी ध्यान से याद करना कि मेस्टिजो, मुलाटो और जैम्बो का विकास किन के आपसी मिश्रण से हुआ है। मैगलन जनसंधि में आपको पढ़ाई चुका हूं कि दक्षिणी अमेरिका के नीचे एक द्वीप है टियारा डेल फियागो और मुख्य भूमि उनके बीच में जल का गलियारा है जिसे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं ये गलियारे। और इन गलियारों के द्वारा आपको ये दक्षिण में जो द्वीप है आपके टियारा डेल फियागो वो उससे अलग होता है। दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला जो है ये तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कभी पूछे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में तेल उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है, तो वेनेजुएला। और वेनेजुएला में भी तेल जो है ना माराकाइबे झील के पास मिलता है। माराकाइबे झील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और ये आसपास का क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पक्षी बहुत मिलते हैं, तो बेटा ऐसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं, ध्यान रखना बेटा कि पक्षियों वाला महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं। पक्षी ज्यादा मिलते हैं तो पक्षियों की बीट भी ज्यादा होती है और पक्षियों की बीट जो होती है ना वो बड़ा अच्छा खाद होती है। तो पहले जब यूरोपीय देशों ने यहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए तो अपने बागों में इस पक्षियों की बीट की खाद का प्रयोग करने के लिए कुछ बंधुआ मजदूरों को यहाँ लाते थे और उनसे इसको पक्षियों की बीट को बनवाते थे। उस प्रकार के जो खाद जो बनता था उस खाद में काम करने वाले जो पक्षी लोग थे जो खाद बनाई जाती थी ग्वानो कहते थे, ग्वानो खाद। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक घनिक जनसंख्या यानी कि डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो इक्वाडोर में मिलेगा। और नगरीकरण सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो उरुग्वे। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से में है, तो ब्राजील में है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा इक्वाडोर का है और नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, तो उरुग्वे देश में मिलती है। इसके साथ ही आपका ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप लगभग खत्म होता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील की राष्ट्रभाषा तो पुर्तगाल है और बाकी सभी जो देश बचे उनकी भाषा जो है वो कौन है, स्पेनिश भाषा है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन चिली और सोयाबीन गन्ना और इसके उत्पादन में कॉफी में ब्राजील पहले स्थान पे है, ये बात आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये एक और महाद्वीप आपके आज खत्म होता है जिसका नाम था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। सभी को राम राम, कल एक अगले महाद्वीप के साथ आपके साथ होंगे। लेकिन किसी प्रकार के प्रश्न में डाउट हो तो बेटा जरूर पूछा करें आप, है ना।